अब एक आदमी जो थे, जैसे कल हमने देखा था कि जिसको भगवान पापों का दंड देना चाहता है उसको दुनिया की नेमतों से वंचित कर देता है। अब इसका बिल्कुल उल्टा काम देखिए, एक आदमी ऊपर से बड़े, अब ये शब्द इसमें ज़रा टेढ़े मेढ़े हैं उर्दू के, एक आदमी ऊपर से बड़े सीधे साधे हैं, वो मेरे पास आए, कहने लगे जी कुरुक्षेत्र के बारे में आपसे कुछ पूछना है। तो मैंने कहा जी इधर को सड़क जाओगे तो मसीता हाउस पहुंच जाओगे, इधर को सड़क जाओगे तो भद्रकाली मंदिर पहुंच जाओगे। तो जितने उसने कहा कि आप कुरुक्षेत्र में 50 साल से रह रहे हैं तो आपसे ज़्यादा अधिकार से कोई बात नहीं कह सकते। तो जो आदमी जहाँ का रहने वाला है वहाँ वो आदमी ज़्यादा अधिकार से हर एक बात को कह सकता है। तो इसलिए लोगों ने कहा कि तकद्दस और तहारत में ज़माने से निराले हैं, पवित्रता में, ओ इतनी पवित्रता तक रखते हैं, कपड़े में ज़रा सा अगर बिंदु भी तो इस कपड़े को हटा दो, गंदा हो गया, नमाज नहीं पढ़ूंगा इस कपड़े से, तो बहुत ही पवित्र अपने आप को शरीर को रखते हैं। तो तकद्दस और तहारत में ज़माने से निराले हैं, और बज़ाहिर अगर इनकी शक्ल देखो तो ये लगेगा इतना लंबा तिरक लगाया हुआ है, इतना लंबा माला पहनी हुई है, मौलवी हैं तो इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी बनाई हुई है, कितना ऐसा एकदम देखते रौब हो जाता है, ओहो नमस्कार करने को दिल करता है, बज़ाहिर मुत्तकी है, देखने में भोले भाले हैं, लेकिन जब ये धर्म उपदेश करने बैठते हैं तो बवक्ते वाज दोज़ख के हवाले मुस्तनद देंगे, ऑथेंटिक पक्के, वहाँ नरक की अग्नि में, जहन्नुम की आग में इस तरह जलाया जाएगा, वहाँ जब नहरुम जहन्नुम में जाओगे तो एक जगह इतना ठंडा पानी है कि जितना यहाँ टुंडरा में भी नहीं होता, उसमें गला दिए जाओगे। और कहते वहाँ बिल्कुल अधिकार के साथ कहते हैं, तो कहते बवक्ते वाद दोज़ख के हवाले मुस्तनद देंगे कि हज़रत शेख जैसे खुद वहीं के रहने वाले हैं।